नमस्कार, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। केएल राहुल को T20 के बाद वनडे टीम में भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रोहित शर्मा के T20 के कप्तान बनने के बाद केएल राहुल को T20 का उपकप्तान बनाया जा सकता है। अब रोहित शर्मा को वनडे का जिम्मा देने के बाद BCCI केएल राहुल को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपने की योजना तैयार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में BCCI ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि केएल राहुल वनडे टीम के अगले उपकप्तान होंगे। उन्होंने पिछले कुछ सालों में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके पास 6 से 7 साल का समय है। वे टीम इंडिया के अगले कप्तान भी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें विराट कोहली, रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ की मौजूदगी में सीखने का मौका मिलेगा। बुधवार को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम की घोषणा की गई। इस दौरान रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान बनाए जाने की घोषणा की गई, लेकिन वनडे टीम की घोषणा नहीं की गई। भारत को साउथ अफ्रीका दौरे पर 3 वनडे मैच भी खेलने हैं। ऐसे में दौरे के लिए टीम का ऐलान जल्द होने वाला है, तब केएल राहुल के नाम की घोषणा की जा सकती है। केएल राहुल का प्रदर्शन पिछले 2 साल में वनडे में शानदार रहा है। 1 जनवरी 2020 से भारतीय बल्लेबाजों के वनडे के रिकॉर्ड को देखें तो केएल राहुल ने सबसे अधिक 2 शतक लगाए हैं। इस दौरान वे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में भी भारत की तरफ से पहले नंबर पर हैं। उन्होंने 12 पारियों में 62 की औसत से 620 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 शतक और 4 अर्धशतक लगाए हैं, यानी हर दूसरी पारी में उनके बल्ले से 50 रन से अधिक निकलते हैं। इस दौरान विराट कोहली ने 560 रन और रोहित शर्मा ने 6 पारियों में 261 रन बनाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।